Hello dear children, so now today we will start part 4 of chapter My Family. हमने अभी तक families के types पढ़े, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं कि सबके क्या क्या काम होते हैं, जो family members हैं उनके क्या क्या काम होते हैं. जिस तरीके से family में बहुत सारे members होते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं एक एक member के काम. सबसे पहला पिक्चर ये है, जो ये कौन है, फादर है. आप देखिए बहुत सारे हैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, पर एक्चुअल में ये हैंड्स नहीं है उनके, ये बता रहे हैं कि आपके फादर कितना सारा काम करते हैं. फादर इज द हेड ऑफ अ फैमिली. किसी भी फैमिली का हेड जो होता है वो सबसे बड़ा मेंबर होता है, और जनरली हर फैमिली में फादर जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, या तो फादर या तो ग्रैंड फादर, दोनों में से कोई भी एक जो होता है वो क्या होता है, हेड होता है फैमिली का. फादर अर्न्स मनी फॉर फैमिली. फादर जो होते हैं वो अपनी फैमिली की जरूरत के लिए क्या पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं. आप देखिए वो यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, फोन पे बच्चे का भी ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा काम करते हैं. ही टेक्स केयर ऑफ नीड्स ऑफ ईच मेंबर. जो भी घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबकी जरूरतों की देखभाल करते हैं फादर. फादर जो है उनके बहुत सारे काम होते हैं, जॉब भी करना होता है घर पे, वो काम भी मम्मी मम्मा की हेल्प भी करना होती है, फिर अपने बच्चों का ध्यान भी रखना होता है, उनको पढ़ाना भी होता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, घर का सामान लाना, तो ये सारी चीजें, बहुत सारे काम जो है वो कौन करते हैं, फादर करते हैं. नाउ अब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, मदर को देख रहे हैं, तो मदर के भी बहुत सारे काम है. मदर टेक्स केयर ऑफ फैमिली. मदर जो होती है वो पूरा फैमिली का केयर करती है. आप देखिए इस पिक्चर में मम्मा यहाँ खाना भी पका रही है, बुक्स भी है, पढ़ा भी रही है, बच्चे को भी संभाली है, सामान भी ला रही है और सफाई भी कर रही है. She cooks food for us. माँ जो होती है वो हमारे लिए खाना पकाती है. In some families, mother also works for earning money. कुछ कुछ families में आजकल जैसे होता है कि मम्मा लोग भी क्या करती हैं, office जाती हैं, school जाती हैं और family के लिए पैसा कमाती हैं. तो जो mother है वो जो है family को care करती हैं, खाना पकाती हैं और साथ साथ में earn भी करती हैं money. अब as a children, आप लोगों के क्या काम है. As children, We should help our mother and father. अब देखिए इस पिक्चर में ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, ये लड़की बर्तन धो रही है, ये अपने छोटे भाई बहन को पकड़ा है, ये झाड़ू लगा रही है, ये डॉग की केयर कर रहा है, ये इसको आईने को साफ कर रहा है, दादा दादी की केयर कर रहा है. तो आप बच्चों के रूप में आपको क्या करना है, आपको पापा और मम्मी दोनों की मदद करनी है. वी शुड स्टडी वेल टू मेक आर पेरेंट हैप्पी. और सबसे मेन काम होता है कि हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है वो इस बात से बहुत खुश होते हैं. वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. हमको अपने पेरेंट्स की हर बात को मानना चाहिए. आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं, उनको हमेशा सारे लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं. तो एज अ चिल्ड्रन आप लोगों की ड्यूटी है, आपको हेल्प करनी है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और अपने से जो भी बड़े हैं, पेरेंट्स हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं या दादा दादी हैं, उन सबकी ओबे करनी है, उनकी बातें माननी है, वो जो भी बोलते हैं. दादा दादी की भी केयर करनी है, वो ओल्ड एज हो जाते हैं तो उनके पास बैठना है, उनसे कहानियां सुननी है, और उनके की उनके पास दादा दादी के पास तो कोई काम होता नहीं है, तो उनके पास बैठना है, उनके पास बहुत समय होता है, तो उनके पास बैठना है, उनसे कहानियां सुननी है और उनका ध्यान रखना है, उनको पानी लाकर देना है, उनकी हेल्प करना है. तो बच्चे जो बच्चे अपने बड़ों की मदद करते हैं, बड़ों की बात मानते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं. इसलिए ये सारे काम हैं जो एक फैमिली में सब लोगों को मिलकर करने होते हैं. तो आई थिंक यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल.